अगला क्वेश्चन क्या दिया है? सो दैट इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 8 लॉग 2। हमको ये शो करना है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन थीटा थीटा डी थीटा के बराबर हमको दे रखा है। इतना पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं। अब क्या करते हो भाई, अब क्या हम करते हैं, जो आप प्रॉपर्टी जानते हैं वही अप्लाई करते हैं कि इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। तो यही है प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी अप्लाई कर लेते हैं। तो जहां जहां पे थीटा है वहां पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ से, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 और क्या लॉग और क्या 1 प्लस टेन, टेन के साथ में क्या क्या मिलने वाला है, अलग करते हैं टेन को। ठीक है, टेन के साथ में पहले क्या मिलेगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा मिलेगा। तो ये हो गया, और साथ में डी थीटा बाहर तो है ही। ठीक है, डी थीटा बाहर है ही। अब देखो यहाँ पे टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो आराम से टेन ए माइनस बी का पहले फॉर्मूला लगा के इसको ओपन करो। तो क्या मिलेगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 लॉग और क्या 1 प्लस, इसको ओपन करते हैं, क्या क्या मिलेगा, टेन ए माइनस बी, मतलब क्या टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो क्या क्या मिलेगा, टेन ए, ए की जगह पे क्या है, पाई बाई 4। तो टेन पाई बाई 4 मतलब क्या, 1 आ गया। तो टेन ए का मतलब 1 हो गया, माइनस टेन बी मतलब क्या, टेन थीटा। और फिर क्या डिवाइड करेंगे किससे, 1 प्लस टेन ए टेन बी। टेन ए का वैल्यू क्या आया था, 1 आया था, और टेन बी का वैल्यू टेन थीटा के बराबर। चलो इतना हो गया, और बाहर क्या है, डी थीटा भी है। क्या करो, इसको थोड़ा सा एलसीएम लो के ओपन करो, तो क्या मिलेगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 लॉग और अंदर क्या मिलेगा, 1 और प्लस टेन थीटा, और फिर क्या ऊपर क्या है, प्लस 1 माइनस का टेन थीटा, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली क्या बचेगा ऊपर, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 लॉग, ऊपर क्या बचेगा 2 और नीचे 1 प्लस टेन थीटा, और बाहर कितना, डी थीटा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, लॉग ए अपान बी बन रहा है। तो लॉग ए अपान बी मतलब क्या, लॉग ए माइनस लॉग बी, वही उसी फॉर्मूले से इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ तक नोट करो, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 और लॉग ए अपान बी है, तो क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो लॉग टू थीटा अलग कर देते हैं, माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 जो लॉग बी है उसको अलग कर देते हैं। ठीक है, लॉग 1 प्लस टेन थीटा, कुछ किया नहीं है, बस जो फॉर्मूला था वही यूज किया है। ठीक है, और साथ में डी थीटा है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारे पास आई का वैल्यू यही ना है, 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा, इसी को ना आई माना था। तो यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, आई यूज कर लेंगे, और लॉग 2 तो कॉन्स्टेंट है वो बाहर रहेगा। तो आई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लॉग 2 बाहर, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 डी थीटा और माइनस के आई। तो आई को लेफ्ट में कर दो तो क्या हो जाएगा, 2i बन जाएगा, i प्लस आई 2i हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा, सिंपली ये 2y इज इक्वल टू लॉग 2 डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा। सिंपली कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 4 तक। तो थीटा की जगह पाई बाई 4 रखो, माइनस 0 मतलब सिंपली पाई बाई 4 बचने वाला है। तो क्या मिला यहाँ से, 2i इज इक्वल टू लॉग 2 पाई बाई 4, तो 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। वही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, नोट करो इसको।